हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम दाल मखनी बनाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो एक कप हमने काली दाल रात को पानी में भिगो दी है और आधा कप राजमा रात को अलग से भिगो दिए हैं। इनको 7-8 घंटे के लिए भिगोना है। दाल 7-8 घंटे भीग गई, उसके बाद हम इसको 2-4 बार साफ पानी से धोएंगे जिससे इसका काला पानी निकल जाए। दाल और राजमा का पानी निकाल देंगे और ये इस तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, फूल जाएंगे। अब इसको हम कुकर में डालेंगे। 4-5 कप हम इसमें पानी डालेंगे। चार कप पानी डालना है। दाल और राजमा से पानी की क्वांटिटी इतनी ऊपर होनी चाहिए। इसमें एक मोटी इलायची डालेंगे, गर्माहट रहती है इससे। एक छोटी चम्मच देसी घी डालेंगे। कुकर की लिड लगा देंगे। ये लिड पर हम थोड़ा सा देसी घी लगा देंगे, इससे हमारा कुकर का पानी बाहर नहीं आएगा। एक सीटी आने पर इसको सिम कर देंगे गैस को, और 4-5 सीटी आने पर गैस बंद कर देंगे। ये हमारी दाल गल गई है और इसमें हमने जो मोटी इलायची डाली थी उसको हम बाहर निकाल देंगे। गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे, गैस ऑन करेंगे। इसमें 2 टीस्पून देसी घी डालेंगे। ये हमारा घी गर्म हो गया, इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 2 मीडियम साइज की प्याज है और 8-10 लहसुन की कलियां बारीक चॉप कर लिया है। प्याज लहसुन बारीक कटा हुआ इसमें डाल दिया। इसको ब्राउन होने तक भूनेंगे। एक छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, इसको क्रश करके डालेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टमाटर की प्यूरी डालेंगे। DH का दाल मखनी मसाला डालेंगे 2 चम्मच। मसाला हमारा भुन गया, अब इसमें दाल डालेंगे। गैस की फ्लेम को धीरे कर देंगे और आलू मैशर से इसको मैश करेंगे। या आपके पास घोट नहीं हो तो उसे घोट लें। 1 टीस्पून नमक डालेंगे और आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। ये हमारी दाल मखनी रेडी हो गई है। इसके अंदर हम 2 चम्मच मलाई डालेंगे। आपके पास क्रीम हो तो आप क्रीम डाल सकते हैं। गैस को हम बंद करेंगे और इसमें हम बटर भी डाल सकते हैं। आप